कैसे आप सभी लोग, माय नेम इज भावेश परमार, आपका स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। तो आज सबसे स्पेशल दिन होने वाला है क्योंकि मेरे बड़े भाई का आज जोक करने वाले, जोक यानी वजन करने वाले, गुजराती में हम उसे जोक भी कहते हैं, उसको एक साइड में बिठाएंगे और दूसरे साइड में फ्रूट्स अनाज आदि चीजें रखने वाले और उसका वजन किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का भी सेम किया गया था, फ्रूट्स अनाज सोने से वजन किया गया था, तो सेम उसी तरह से मेरे बड़े भाई योगेश का भी आज जोक किया जाएगा शंकर मंदिर में। तो ये वीडियो सबसे इंजॉयबल वीडियो होने वाला है क्योंकि आप भी पहली बार देखने वाले हो, मेरा भी पहले किया गया था पिछले साल। अगर मेरा वो वीडियो का क्लिप होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और एक चीज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो ये वीडियो के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। अभी तो बहुत लेट हो गया, 11 बजे बुलाया था और 11:30 बज गए, तो जल्दी से जल्दी हम जाते हैं क्योंकि लेट हो गए और मुझे वीडियो भी निकालना है ना। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए डांडेश्वर शंकर मंदिर। आपको पता है ये मंदिर बहुत ही पुराना है, इंडिया की आजादी से भी पुराना। सच बताऊं मंदिर देखने में इतना पुराना नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ के ट्रस्टी, साफ सफाई करने वाले लोगों ने इस मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर जो भी मन्नत मांगता है उनका मन्नत पूरा होता ही है, मेरा भी मन्नत पूरा हुआ था। सामने मेरे डैडी बैठे है, मेरे डैडी हर रोज शंकर मंदिर आते है साल के 365 डेज। मेरे भाई की मम्मी ने मन्नत में जोक करना बोला था एंड आप वीडियो में ही देख सकते हो कि मन्नत पूरा हो गया। मेरा फ्रूट से वजन किया था, मेरे भाई का ग्रोसरी आदि चीजों से वजन किया जाएगा, जैसे कि ऑयल, चावल की गोनी, वीट एंड बहुत कुछ। डिपेंड करता है कि मन्नत रखने के टाइम आपने क्या बोला था। मेरे भाई का वजन तो हो गया, इसी बहाने वीडियो को लाइक कर लेना। बर्थडे बॉय। भाई तो मालामाल हो गया यार, पार्टी तो लेना पड़ेगा, मेमोरीज के लिए फोटो तो लेना ही पड़ेगा। ये है मेरे भाई की मम्मी की फैमिली। चाची ने मंदिर में सबका खाना रखा है, खाने में पूरी, दाल चावल, सब्जी बनाया है। ऐसा लग रहा है मम्मी खाने में बहुत ही बिजी है। ये मेरी सभी बहनों में से सबसे क्यूटेस्ट और लाडली बहन है। फैमिली के साथ खाना खाने का मजा ही कुछ अलग है, मेमोरीज के लिए एक वीडियो तो बनता ही। जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया है उन्हें मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। मुझे ही देख लो मैं कितना बिजी हो गया हूँ खाना खाने में। वीडियो पर अंत तक बने रहना, रात को तो और ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। एक इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हर साल इस शंकर मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के 7 दिन पहले बहुत सारे लोग मंदिर में रहने आते हैं, मेरा भाई और उसकी फैमिली भी रहने आती है, और 8 दिन उन्हें भगवान की पूजा पाठ, भजन, आरती करना पड़ता है। इसे सप्ताह कहते हैं और ये सप्ताह कभी कभी 8 दिन का होता है या फिर 9 दिन का भी हो जाता है। 8 दिन वे लोग किसी के घर नहीं जा सकते, सबका खाना रहने की व्यवस्था मंदिर की संस्था करती है। इस बिना इंस्ट्रूमेंट को भूल से भी नीचे नहीं रखा जा सकता, एवरी 24 आवर्स इसे उठा के रखना पड़ता है। अगर गलती से भी नीचे रख दिया तो सभी को वापस घर जाना पड़ेगा। यहाँ पर सभी लोग एक फैमिली जैसे रहते हैं, एक साथ सब काम में हाथ बटाते हैं। यहाँ पर कोई झगड़ा रोक टोक नहीं होता, सभी हंसी खुशी से रहते है। रात को तो यहाँ पर मनोरंजन होता है, तो आप डांस, गरबा देखना एंजॉय करो और मैं भी आपके साथ एंजॉय करता हूँ। Yeah.
अभी यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे मोर ब्लॉग्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।